नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जबलपुर में शहादत का पर्व मुहर्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रखी सावरिया और ताजिए विशेष आकर्षक का केंद्र रही। वहीं मुहर्रम की शहादत रात पर शहर मस्जिदों में आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। शहर में रखे गए ताजिए को देखने लोग निकले, लेकिन प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए ताजिए और सवारियों का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी। यही वजह थी इस साल ताजिए और सवारियां अपने ही स्थानों पर रखी। मुहर्रम वाले दिन सवारियां और ताजिए को कुर्बला रानीताल में ठंडा किया जाएगा। वहीं मुस्लिम भाइयों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहादत की रात को शहादत का पर्व मुहर्रम शालीनता और भाईचारे के साथ मनाया। आपको बता दें कि मुहर्रम पर्व को हिंदू भाई भी मनाते हैं, जो कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। खुशी की बात है, हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम हमारे शहर में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। चारों तरफ लंगर तकसीम हो रहा, लाइटिंग लगी है और ताजिए सवारी अपनी अपनी जगह में कायम है। शासन प्रशासन की गाइडलाइन के तौर पर चलते हुए जहां ताजिए बनाए गए हैं वहीं ताजिए रखे हैं। ये 500 वर्ष से मन्नतों वाली मेहंदी हमारे पुरजने बनाते रहे, उसके बाद हम लोग बना रहे हैं और हमारे बच्चे बना ही रहे हैं। ये इमाम का उर्से पाक जिस तरीके से हम लोग मना रहे हैं, इसी तरीके से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। शासन प्रशासन कोरोना की गाइडलाइन देखते हुए हम लोगों ने ये ताजिया जहाँ बनाया था वहीं स्थिर रखा हुआ है। मन्नतों के लिए हमारी माँ बहनें यहाँ आ रही हैं और जिन जिनकी जो मन्नतें पूरी हुई हैं वो अपनी मन्नतें पूरी यहाँ उतार रही हैं। मन्नतों वाली मेहंदी है ये, पहले पेशकारी स्कूल में रखी जाती थी, उसके बाद में बॉम्बे साइकिल वालों के सामने रखी जाती थी। अभी 3 साल से कोरोना की गाइडलाइन में यहाँ पे रखी जा रही है हमारे शहीद भाई के मकान में। आपका नाम बताएं? मेरा नाम मोहम्मद नजीर अशरफी। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केकेआर न्यूज़। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।